हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आज के इस साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग के कारण मानसिक रोगों का इलाज आसान और सस्ता हो चुका है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ के तहत आप तक पहुंच रहा है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं DSM-5 में वर्णित डिसऑर्डर एंग्जाइटी डिसऑर्डर के तहत सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर के बारे में। सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर क्या होता है, क्या है इसके लक्षण, क्या है कारण और क्या है इलाज सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर का। सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर जिसमें किसी खास मौके पर किसी खास सिचुएशन में बोलती बंद हो जाती है, बस बोल नहीं पाते हैं, बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, बस आवाज निकलती नहीं है, बस कंपकंपी आवाज में आ जाती है, इसे सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर के तहत रखा गया है। वैसे जिनको ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर होता है उन्हें ज्ञान पूरा होता है, वो अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अन्य मौकों पर अच्छी तरह से बोल पाते हैं, लेकिन किसी खास सिचुएशन, किसी खास जगह पर, किसी खास पर्सन के सामने वो म्यूट हो जाते हैं, किसी खास मौके पर बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं। तो ये म्यूटिज्म डिसऑर्डर ये खास करके बच्चों में अधिक होता है और कई बार ये बड़ों में भी पाया जाता है, म्यूटिज्म सेलेक्टिव डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का उदाहरण ले, एक बच्चा जो घर में बहुत अच्छा बोलता है लेकिन जैसे ही कोई रिश्तेदार आता है बिल्कुल म्यूट हो जाता है, बोल नहीं पाता है, अगर बोलने को कहा जाए तब भी एकदम से बोलता नहीं है ढंग से, बिल्कुल आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, पसीना आ जाता है, उस जगह से बचने की वो कोशिश करता है, आई कॉन्टैक्ट बना नहीं पाता है, बॉडी एक्सप्रेशन उसके बदल जाते हैं, तो ये लक्षण म्यूटिज्म डिसऑर्डर के हैं। कई बार बच्चे टीचर के सामने नहीं बोल पाते हैं, क्लास में खड़े होकर नहीं बोल पाते हैं, जैसे ही एक खास टीचर आता है, कोई अधिकारी आता है, जब किसी बच्चे को बोलने को कहा जाए तो बच्चे को पता सब कुछ होता है, बच्चा बोलना भी चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, बस आवाज़ बिल्कुल उसे महसूस होता है कि चली सी गई है, बस बिल्कुल गूंगा सा हो गया है, और जैसे ही वो सिचुएशन ओवर होती है उस सिचुएशन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह के लक्षण ये म्यूटिज्म डिसऑर्डर के लक्षण हैं। इसके अंदर जान लेते हैं कि कारण क्या है। कारण इसमें घरेलू झगड़े हो सकते हैं, जिन घरों में अक्सर झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा पारिवारिक ओवर प्रोटेक्शन बच्चों को मिलती है, बच्चे को पेरेंटिंग ऐसी मिलती है कि उसके ऊपर तानाशाही अपने डिसीजन लादे जाते हैं, पेरेंट्स हेलीकॉप्टर की तरह बच्चों पर मंडराते रहते हैं, कई बार पास्ट एक्सपीरियंस भी इसमें जुड़े होते हैं, बच्चे ने किसी सिचुएशन में बोलने की कोशिश की लेकिन वो बोल नहीं पाया और उसकी खूब जमकर बेइज्जती होगी, उसके बाद उसमें वो डर बैठ जाता है, उस तरह की खास सिचुएशन में वो म्यूट हो जाता है। ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर काफ़ी इंसानों में पाया जाता है, बच्चों के साथ साथ कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो किसी अधिकारी के सामने बोल नहीं पाते हैं, किसी नेता के सामने बोल नहीं पाते हैं, जब उनके सामने कोई सेलिब्रिटी आती है, अपने से बड़े आते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कुछ लड़के लड़कियों के सामने सेलेक्टिव म्यूटिज्म का शिकार हो जाते हैं, बस बोलती बंद हो जाती है, बस कुछ नहीं बोल पाते, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और ही जाते हैं, तो ये म्यूटिज्म डिसऑर्डर है। ऐसे बच्चे शर्मीले बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरे से आसानी से मिलते जुलते नहीं हैं, इनका एक सिलेक्टिव सा ही ग्रुप होता है। आइए अब जानते हैं कि सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर का इलाज क्या है। आज ऑनलाइन काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के द्वारा मानसिक रोगों का इलाज जहाँ सस्ता और आसान हो चुका है, तो उसमें सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर का इलाज भी बेहद आसान और सस्ता है। आज साइकोथेरेपी काउंसलिंग के द्वारा इसे आसानी से दूर किया जा सकता है, म्यूटिज्म डिसऑर्डर पर काबू पाया जा सकता है। इसमें कारगर थेरेपीज हैं कोग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी, कोग्नेटिव ड्रिल थेरेपी, सिस्टेमेटिक डीसेंसिटाइजेशन, इमेजिनेशन में उस सिचुएशन के साथ उसको कई बार रखा जाता है, विजुअलाइज किया जाता है उस सिचुएशन में, जो उससे रिलेटेड एंग्जाइटी है उसे दूर किया जाता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस टेक्निक, द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान में कैसे समस्याओं का सामना करना है, ड्रिल एंड डेरिंग, सामना करने की हिम्मत उसके अंदर भरी जाती है ताकि वो अपना कॉन्फिडेंट ऐसी सिचुएशन आए तब खोए ना, आत्मविश्वास बनाए रखे, आई कॉन्टैक्ट बनाने की उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ
और बहुत सारी साइको टेक्निक्स और थेरेपीज हैं जिनके द्वारा म्यूटिज्म डिसऑर्डर का इलाज आसानी से हो जाता है। चूक न जाना, ऑनलाइन मुझे अपने मन की बात बताना। अगर आप सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, आपके बच्चे ऐसी परेशानी से ग्रसित हैं, आपके आसपास रिश्तेदारी में कुछ लोग इससे ग्रसित हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दें। आपका किया गया एक शेयर किसी की जिंदगी में खुशियां ला सकता है, उन्हें कुछ नया करने में उनके दर्द को कम कर सकता है। आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं और मुझे ये भी बताते हैं कि नेक्स्ट कौन सी मानसिक परेशानी पर आप वीडियो देखने वाले हैं। मैं इन सब के लिए आपका तहे दिल शुक्रगुजार करता हूँ।